ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे हैं या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिले हुए होते हैं, उसके साथ बाउंड होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो ईआर है, ये एक ऑर्गेनिक है जो सेल के अंदर मौजूद है। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ राइबोसोम या तो बाइंड होते हैं या फिर वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये राइबोसोम्स का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बने हुए होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन से और किससे बने हैं, राइबोसोमल आरएनए से, ठीक है। तो ये राइबोसोम जो है इनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, ठीक है, इसलिए ये प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होते हैं और यूकैरियोट्स में भी मौजूद होते हैं। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम का, तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो साइज में बड़ा होता है, लार्जर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो साइज में छोटा होता है, ठीक है। फंक्शन जब हम इसका देखते हैं तो इसका फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना सेल के अंदर, ठीक है। ये राइबोसोम जो है ये किसी एक रेशो में या किसी खास तरतीब से आपस में कंबाइन करते हैं और इससे प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये इसका आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जब राइबोसोम के स्ट्रक्चर में एक लार्ज सब यूनिट होता है, स्मॉल सब यूनिट होता है, ठीक है। तो ये दोनों सब यूनिट जो है ये जब कंबाइन है इसका मतलब है कि आप राइबोसोम से प्रोटीन बनानी है। जब प्रोटीन बनाने का काम फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो तब ये दोनों सब यूनिट लार्ज और स्मॉल ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये है हमारे पास राइबोसोम, जिसमें हमने इसको उसकी डेफिनेशन और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, अगला ऑर्गेनेल है हमारे पास। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, वो सिर्फ यूकैरियोट्स में मौजूद होता है, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होता है कि इसके बाहर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। फंक्शन जब हम इसका देखते हैं तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें प्रोसेस चलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ऐसी टाइप जिसमें हमें ऑक्सीजन रिक्वायर होती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर ऑफ सेल भी बोला जाता है या पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये सेल का वो ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर एनर्जी फॉर्मेशन हो रही होती है जो कि सेल यूटिलाइज करता है, ठीक है। जैसा कि ये आपको इसका स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया में नजर आ रहा है, तो इसके स्ट्रक्चर में एक बाहर वाली मेम्ब्रेन और एक ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन मैंने आपको शुरू में बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन है, जबकि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है अंदर वाली साइड पे उसने काफी फोल्ड बनाए होते हैं। इसके फोल्ड बिल्कुल जैसे फिंगर लाइक फोल्ड अंदर वाली साइड पे इसकी फोल्डिंग होती है, ठीक है। ये जो अंदर वाली साइड पे इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है इसको बोला जाता है क्रिस्टी, ठीक है। अब हमारे पास ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये स्मूथ है जबकि इनर मेम्ब्रेन ने फोल्ड बनाए हैं जिसको हमने किसका नाम दिया है, क्रिस्टी का। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे मटेरियल मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म जैसे सेल में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मटेरियल है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल के अंदर डिफरेंट प्रोसेस चल रहे होते हैं जो कि एनर्जी जनरेट करते हैं, इसीलिए इसको एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर या पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।